नमस्कार, पत्रिका टीवी के न्यूज रूम में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हार्दिक दवे। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। न्याय की आज लगाए रात भर धरने पर बैठे रहे छात्र छात्राएं। मॉडर्न मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्र कॉलेज बदलने की कर रहे हैं मांग। धार में नए कलेक्टर ने किया पदभार ग्रहण, दीपक सिंह होंगे धार जिले के नए कलेक्टर। क्विंस कॉलेज की बस ने दो लोगों को लिया अपनी चपेट में, गुस्साए परिजनों ने भवरकुआ थाने पर किया हंगामा। प्रशासनिक अधिकारी के बेटे ने बुजुर्गों को जड़ा थप्पड़, पुलिस बचाव करती हुई आई नजर। तेजाजी नगर में फिर एक बड़ा हादसा, एक युवक की मौत, दो घायल। मॉडर्न मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन द्वारा फैकल्टी नहीं रखने की सजा वहां पढ़ने वाले MBBS के छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रही है। छात्र छात्रा चाहते हैं कि अब उनका एडमिशन इस कॉलेज की बजाय किसी दूसरे कॉलेज में कर दिया जाए और वहां पर ये नहीं हो सकता तो सरकार इसे अपने अधीन ले ले। लेकिन सरकार इसमें अभी कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा कल से ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया था, जो कि बुधवार को भी जारी रहा और रात भर विद्यार्थी रिगल तिराहे पर फुटपाथ पर बैठे रहे और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिशें करते रहे। छात्र सौरभ मंडलोई ने बताया है कि हमारी मांग है, हम कॉलेज बदलना चाहते हैं क्योंकि इस कॉलेज में फैकल्टीज नहीं है, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, जिसके चलते मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी मान्यता निरस्त कर देगा। ऐसे में हम इस कॉलेज से जाएंगे कहाँ और हमारी डिग्री बीच में ही रुक जाएगी। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हस्तक्षेप कर हमें या तो किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाए या फिर सरकार इसको अपने अधीन लेकर चलाए। दरअसल अनिश्चितकालीन धरने के लिए विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता प्रशासन से अनुमति मांग रहे थे, लेकिन प्रशासन व पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसके बाद अब वे बिना अनुमति के ही धरने पर बैठ गए हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक शासन छात्रों के साथ न्याय नहीं करता, ये धरना जारी रहेगा। खुद MBBS के छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया है कि छात्रों की समस्या बिल्कुल जायज है। परिषद छात्रों के समर्थन पर प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब कॉलेज प्रबंधन छात्रों को पढ़ाने में असमर्थ है तो सरकार इसे खुद चलाए, क्योंकि छात्र छात्राएं फीस भर चुके हैं, परीक्षाएं देने के बाद वे मेडिकल की पढ़ाई में आ गया है।
मेडिकल में एडमिशन बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं, और यदि ऐसे में वे परीक्षाओं को पास करने के बाद किसी कॉलेज में आए हैं तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ऐसे में अब अगर इन्हें कॉलेज से बाहर कर दिया या MCI ने मान्यता निरस्त कर दी तो इनका भविष्य खराब हो सकता है। विरोध अब भी जारी है और बच्चे कड़ी तपती धूप में रिगल तिराहे पर बैठकर शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। भविष्य के साथ समझौता कर रहे इन विद्यार्थियों के साथ अब न जाने क्या होगा। देखना यह होगा कि आखिर कब ये फुटपाथ से उठकर कक्षाओं में बैठ पाएंगे। इंदौर के पास ही धार में नए कलेक्टर का आगमन आज यानी कि बुधवार को हुआ। नए कलेक्टर के रूप में दीपक सिंह ने विधिवत तौर पर आज से अपना कार्यकाल शुरू किया। धार जिले के नवागत कलेक्टर दीपक सिंह ने आज से कलेक्टर ऑफिस में अपनी ज्वाइनिंग की। उन्होंने पत्नी सहित बाबा धनेश्वर की पूजा कर पदभार ग्रहण किया। बता दें कि इसके पहले कलेक्टर दीपक सिंह बुरहानपुर में बतौर कलेक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे, अब वे धार में कलेक्टर के रूप में कार्य करेंगे। इंदौर में एक प्रशासनिक अधिकारी का बेटे ने अपने पिता की अफसरशाही का रुतबा बुजुर्ग व्यक्ति पर दिखाया। बदतमीजी करते हुए उसने बुजुर्ग पर हाथ उठा दिया। पुलिस इस पूरे मामले पर आरोपी को बचाते हुए नजर आ रही है। इंदौर में मंगलवार रात एक लड़के ने बुजुर्ग पर हाथ उठाया। पुलिस पलासिया ने लड़के को हिरासत में लिया। दरअसल चंद्रलोक कॉलोनी के उद्यान में ये लड़का अपना कुत्ता घुमा रहा था। वहीं से गुजर रहे एक बुजुर्ग से किसी सामान्य सी बात पर लड़के का विवाद हुआ और उसने बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ दिया। चूंकि लड़का खुद को प्रशासनिक अधिकारी बिहारी सिंह का बेटा होने की बात कर रहा था, इसलिए पुलिस भी उसे बचाती हुई नजर आई। वहीं उसके साथ में एक लड़की और थी जिसकी पहचान बताने से लड़के ने इनकार कर दिया। दोनों को ही पुलिस पलासिया थाने ले गई, जहां मामले में किसी भी पक्ष ने अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। तेजाजी नगर में एक बार फिर भयानक हादसा हुआ है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। वहीं मृतक की गाड़ी जिस दूसरी गाड़ी से टकराई थी उस गाड़ी में सवार एक पिता पुत्र भी घायल हो गए हैं, जिनका उपचार एम्बा अस्पताल में जारी है। इंदौर के तेजाजी नगर में आए दिन दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। इस हादसे में कैलाश बर्डे नामक युवक घायल हो गया है, वहीं उसके साथ 5 साल का बच्चा था वो भी घायल हो गया है, उसे भी पैर में चोट आई है। बच्चा घबराया हुआ है और फिलहाल दोनों का ही इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं इस दुर्घटना में एक युवक की भी मौत हो गई है। सामने से लाके ठोक दिया गाड़ी वाले ने। फिर क्या वो उसके बाद हो गया और क्या ये तो का दूसरी गाड़ी में टकरा गया क्या वो फिर जैसी बस आई थी बस में चले गया वो बस से टकरा गया। जिला कोर्ट में एक युवक ने आज जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। दरअसल उसकी पत्नी ने उस पर एक केस लगा रखा था जिसकी पेशी आज थी और वो कोर्ट में आया हुआ था। इस सब से परेशान होकर युवक ने कोर्ट में ही जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की।
पुलिस के अनुसार कल जिला कोर्ट से दीपक मौर्य निवासी रुस्तम का बगीचा को बड़े अस्पताल लेकर आए थे। देर रात उसका परिवार भी अस्पताल पहुंच गया था। परिजनों ने बताया कि दीपक का उसकी पत्नी से विवाद हो गया है और वो उसके साथ नहीं रहती है। दीपक के खिलाफ पत्नी ने प्रताड़ना का केस लगाया है जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। कल उसने इस मामले में पेशी की और पेशी पर परिवार के दूसरे लोगों को भी आना था, लेकिन वह नहीं आए थे। दीपक ने कोर्ट में फिनाइल पी लिया था। कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस जवानों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जब रात तक वो घर नहीं पहुंचा तो परिजन कोर्ट गए थे। वहां से थाने जाने पर उन्हें मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद वे सभी अस्पताल पहुंचे। युवक ने आत्महत्या का प्रयास क्यों किया, इसका कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन परिजनों का यही कहना है कि पत्नी से विवाद के चलते उसने जहर खाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर में 5 जनवरी 2018 को डीपीएस बस हादसा हुआ था, जिसे अब तक शहर भुला नहीं पाया है। लेकिन बावजूद इसके कई कदम उठाए गए थे, एहतियात बरती गई थी, लेकिन फिर से आज एक ऐसा हादसा हुआ जिसने स्कूल प्रबंधन और चलने वाली गाड़ियों की पोल खोल कर रख दी है। क्वींस कॉलेज की एक बस का ब्रेक फेल हो गया और वो हादसे का शिकार हो गई। गनीमत यह रही कि उसमें बैठे बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इंदौर के क्वींस कॉलेज की बस ने बुधवार को दो लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद दोनों लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है। बस में बच्चे भी बैठे हुए थे, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बच्चों के परिजन गुस्साए हुए हैं और भंवरकुआं थाने पर हंगामा करने पहुंच गए हैं। चेंज मेकर, यानी वो जो चेंज को लाता नहीं बल्कि चेंज को बनाता है, ऐसे ही परिवर्तन निर्माताओं की खोज में निकल पड़ा है पत्रिका एक नई मुहिम के साथ, एक नए विचार के साथ, जिसमें समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय और हर क्षेत्र से निकाल कर लाएंगे ऐसे चेंज मेकर्स को जो बदलेंगे समाज को और बनेंगे राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन के संवाहक। इंदौर की गली गली और मोहल्ले में निकल पड़े हैं पत्रिका के रिपोर्टर्स समाज में बदलाव लाने वाला चेहरा ढूंढने के लिए। ये चेहरा किसी सफेद कपड़े वाले या लाल बत्ती में घूमने वाले नेता का नहीं होगा। ये चेहरा किसी सिक्कों की खनक वाले या आलिशान बंगलों में सुकून से जी रहे पूंजीपतियों का नहीं होगा। यह चेहरा होगा बिल्कुल आपकी और हमारी तरह एक आम आदमी का चेहरा, जिन्हें पत्रिका दिलाएगा एहसास कि वो भी हैं कुछ खास और ला सकते हैं वो कोई बदलाव और बन सकते हैं वो भी चेंज मेकर। मैं आबादी के अतीत वाले भ्रष्ट और अनैतिक राजनीतिज्ञों का साथ कभी नहीं दूंगा। आइए हम सभी इन तीन संकल्प को ले, मैं स्वच्छ राजनीति के लिए खुद सक्रिय होकर अन्य को भी प्रेरित करूंगा। मैं राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग करूंगा। मैं अपराधी का अतीत वाले भ्रष्ट और अनैतिक राजनीतिज्ञों का साथ कभी नहीं दूंगा। तो आइए हम सभी ये तीन संकल्प लें और अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित हो। बोलिए सहस्त्र बाहु भगवान की, सहस्त्र बाहु भगवान की, सहस्त्र बाहु भगवान की। राजनीति के शुद्धिकरण के लिए पत्रिका द्वारा शुरू किए गए चेंज मेकर अभियान से शहर के लाखों लोग जुड़ गए हैं और हर दिन नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर लोगों ने एक स्वर में पत्रिका की इस पहल का स्वागत किया। लोगों ने कहा कि पत्रिका ने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे जुड़कर वे देश की राजनीति में बदलाव ला सकते हैं। अभियान अभी चल रहा है, तो इसे आप क्या समझते हैं और अभी संकल्प जो लिया है उसे आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में स्वच्छ राजनीति से जो माध्यम से लोग आना चाहिए नेतृत्व, वो स्वच्छ प्रशासन देने में सक्षम होंगे। और सबसे ज़्यादा जो अभी आज हमें ज़रूरत है, पढ़े लिखे
युवा वर्ग राजनीति की ओर प्रेरित होना चाहिए और यदि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो वह अच्छा शासन प्रशासन इस देश को देंगे। दूसरा, हमारे देश में विशेषकर मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि वह कैंडिडेट प्रतिनिधि यदि गुणवत्ता लिए है तो उसको वोटिंग करें। यह हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। आप भी एक आम नागरिक हैं और आपको भी जो पत्रिका का अभियान है आपने संकल्प लिया, तो आप भी क्या स्वच्छ राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे? मैं शुरू से इस स्वच्छ राजनीति का प्रबल समर्थक रहा हूं और भविष्य में भी इस संकल्प के साथ मैं पूर्ण सहयोग देता रहूंगा। सुबह से ही व्यायाम शालाओं से लेकर सुबह की सैर के लिए खुलने वाले बगीचों और उद्यानों तक पहुंचे पत्रिका के संवाददाता, सभी लोगों को बताया गया कि वे क्यों इस मुहिम का हिस्सा बने, आखिर पत्रिका ने ये मुहिम शुरू क्यों की और आखिर क्यों चेंज मेकर बनाने के लिए पत्रिका कर रहा है उन्हें प्रेरित। इन सभी सवालों के जवाब जब आम लोगों को मिले तो उन्होंने जरूरी समझा कि वे खुद भी चेंज मेकर बने और समाज में बदलाव लाएं। मैं युवा होने के साथ प्रॉपर्टी के व्यवसाय में एक सक्सेसफुल स्टेज पे बैठा हूँ। मुझे ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि जब तक स्वच्छ व्यक्ति स्वच्छ भावना से और स्वच्छ मन से राजनीति में नहीं आएगा, जब तक स्वच्छ राजनीति का निर्माण नहीं हो सकता। सामाजिक रूप से आदमी को जुड़ के एक नए रास्ते के निर्माण में भूमिका निभाना चाहिए। युवाओं को अपनी नई सोच के साथ स्वच्छ मन के साथ राजनीति में आना चाहिए। ये परिवेश में मैं आज एक सफल व्यवसाय से जुड़ने के बाद समाज के लिए चैरिटी को लेकर आया। मुझे इस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई कि हम अगर समाज में बिना राजनीति में आए नहीं जुड़े तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। आज स्वच्छ राजनीति पत्रिका आप लोगों के बीच में आया है चेंज मेकर अभियान लेकर, क्या कुछ आप समझते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये समाज के लिए? बहुत महत्वपूर्ण कदम है सर। अगर इसी तरह से आप हमें जोड़ना चाहेंगे, ये चीज आगे बढ़ाएंगे, हमारे संदेशों को आगे ले जाएंगे और हम लोगों के संदेशों को ग्रहण करेंगे तो एक इसमें अद्भुत क्रांति आ जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं। लोगों को जब ये बताया गया कि आसपास होने वाली घटनाओं को देखकर जब हम राजनीति या सरकारों को कोसते हैं तब क्या हमारे मन में ये नहीं आता कि हम खुद इस घटना में संज्ञान लें और खुद कुछ बदलाव लाकर समाज को परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाएं? क्यों ना हम खुद इन समस्याओं का समाधान खोज निकालें? क्या चाहिए इसके लिए, पावर या रुतबा? वो आम आदमी को दिलाएगा पत्रिका और बनाएगा उन्हें चेंज मेकर। जो भी राजनीति है उसको बदलाव किया जाए। जो लोग घर बैठे हैं वो राजनीतिक में आ गया है और इस मेकर को चेंज किया जाए। जैसे कि बहुत से लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि राजनीति गंदी है, तो आप थोड़ा आगे आके देखिए, राजनीति गंदी नहीं, राजनीति अच्छी भी होती है। उस चीज़ को आप आगे आप आओगे तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कि राजनीति अच्छी भी होती है, गंदी भी नहीं होती है। तो पत्रिका के अभियान में जुड़ने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दिलीप जी? मैं पत्रिका का स्वागत करता हूँ इस पत्रिका में जुड़ने के लिए और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि पत्रिका आपसे आप जुड़ें और इस मेकर को आप देखें कि जो क्या क्या इन चीज़ें हैं इसमें, आप उस चीज़ का वो करें। क्या राजनीति में युवाओं का आना बहुत जरूरी हो गया है? बिल्कुल, युवाओं का राजनीति में आना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि युवा ही आज के देश का भविष्य है और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो धार विधानसभा चुनाव है उसमें युवा लोगों आए और उनका कुछ ना कुछ योगदान रखें। पत्रिका का चेंज मेकिंग अभियान आप अभी लगातार अखबार में पढ़ रहे होंगे, तो इस अभियान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा ये अभियान लगा जो चेंज मेकिंग अभियान है पत्रिका का। इससे युवा लोगों को और आत्मविश्वास मिलेगा और उन्हें नई प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। शहर की नामचीन हस्तियों से लेकर आम लोगों तक हमने अपनी पहुंच बनाई है और हर किसी को प्रेरित किया है कि वे चेंज मेकर बनने की इस मुहिम से जुड़ें, ऑनलाइन फॉर्म भरें या ऑफलाइन वॉलंटियर बनें, लेकिन कुल मिलाकर समाज का हर शख्स पत्रिका के माध्यम से चेंज मेकर बने। चेंज मेकर अभियान को आप क्या मानते हैं? अपने आप में एक अलग ही विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ना, ये चेंज मेकर का उद्देश्य है और हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने जो अभियान चलाया है निश्चित रूप से आज के बदलते परिवेश में उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो
हम सभी इसी से जुड़ना चाहेंगे और पर्सनली मैं तो निश्चित रूप से बहुत ही आगे जाऊंगा इसमें, मैं ऐसा सोचता हूं। आपने हम लोग जो पत्रिका के चेंज मेकर राजनीति में नई सोच वाले लोगों को आगे लाना चाहते हैं, इससे आप कितना सहमत हैं? तब अच्छी सोच है, मैं सोचता हूं कि इसमें सभी को सक्रिय भाग लेना चाहिए। सर मेरा ये सोचना है कि जैसे चपरासी पद के लिए भी एजुकेशन की ज़रूरत है आज की तारीख में, लेकिन नेता बनने के लिए शिक्षण का ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उस पर हम लोग ध्यान रखें तो शिक्षित नेता जब हमें मिलेंगे तब हम और आगे बढ़ सकेंगे और ये भ्रष्टाचार कम होगा, ये मुझे लगता है। आज इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में पत्रिका के रिपोर्टर पहुंचे और उन्होंने महिलाओं को राजनीति में बराबर की भागीदारी दिलवाने की शपथ ली, साथ ही चेंज मेकर मुहिम से जुड़कर कैसे आम लोग सक्रियता से उन्हें आगे लाएं, इस बात पर भी वे चर्चा करते नजर आए। राजनीति के क्षेत्र में सभी लोग आगे आए हैं जो कि देश के लिए एक अच्छा करना चाहते हैं, जो देश का विकास चाहते हैं, ना कि देश का खत्म करना चाहते हैं। बस यही मेरी ये है कि मतलब वही लोग राजनीति में आए जो देश का हित चाहते हैं। पत्रिका के अभियान को आप क्या कुछ क्या किस तरीके से लेते हैं आप? मैं पत्रिका का ये अभियान जो आपने मुझे अभी बताया मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब कोई पेपर तो है जो ऐसा कुछ अभियान लेकर आया है, क्योंकि आज तक कोई पेपर ऐसा अभियान लेकर नहीं आया है, तो मुझे पत्रिका पे गर्व है कि वो ऐसा कुछ अभियान लेके आया है। वहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में योगाभ्यास के लिए आए लोगों को एकत्रित कर उनसे चेंज मेकर के फॉर्म भरवाए गए और अक्षत शपथ दिलवाई गई। विषय की जानकारी देते हुए उन्हें इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। कई लोग इस मुहिम से जुड़ने के बाद काफी खुश हैं। हम हमारे देश को अच्छा बनाने के लिए चाहते हैं कि हमारे देश के जो शिक्षित युवा है उन्हें आगे लाया जाए, हमारे देश में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो और हमारा देश आगे बढ़े, छोटे से छोटे लोगों को ऊपर तक लाया जाए और हमारे देश में कुछ ऐसा नेता बने जो सबको लेके चले, एक बार वोट देने के बाद भूल ना जाए, दोबारा लौट के नहीं आते, एक बार वोट लेने के लिए आते, सब वादे तो करके जाते लेकिन दोबारा लौट के देखने नहीं आते। राव विधानसभा में भी आज परशुराम जयंती का पर्व मनाया जा रहा था। इस अवसर पर सभी को एकजुट करके चेंज मेकर बनने की शपथ दिलाई गई। जो समाज हित में हो, जल हित में हो, आज के परिदृश्य में हो, हम वो 5% वोटर है जो बड़ी से बड़ी सरकार को बदल देते हैं और दूसरी सरकार को काबिज कर देते हैं। हम ना तो किसी पार्टी से जुड़े लोग हैं, ना किसी प्रकार से जुड़े लोग हैं। हमारे में वो सक्षमता है कि हर तरह से, और इस विचारधारा का, पत्रिका पेपर का, मैं ब्राह्मण समाज की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ। इसी के साथ गांधीनगर इलाके में युवाओं से जब इस विषय में बात की गई तो उन्होंने राजनीति में साफ और स्वच्छ छवि के लोगों के आगे आने और बदलाव की पुरजोर वकालत की। इस मौके पर पत्रिका के चेंज मेकर अभियान का हिस्सा बनने के साथ ही युवाओं ने संकल्प फॉर्म भी भरा। देश में शांति समृद्धि का उजाला फैले, हम सभी यह कामना करते हैं। आज हम यहाँ एक विशेष उद्देश्य से एकत्रित हुए, बात हमारी आपकी और इस देश की है, एक आह्वान है, एक राजनीति चेतना का है। हम सबको समझ लेना चाहिए, जब तक हम राजनीति को गंदा मानकर इससे भागते रहेंगे तो स्वार्थी तत्व तो नीचे से ऊपर तक राजनीति पर कब्जा किए रहेंगे। हम सब अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं, उनसे ही सरकारें बनती है, इनसे हम पर शासन चलता है। इसके बावजूद हम राजनीति को अपने लिए उचित नहीं मानते, हम दूसरों को वोट देने तक सीमित है, इसका नुकसान। जब अलख जली है तो बड़ी दूर तक तो जाएगी ही, इंदौर तक ये अभियान सीमित नहीं रहा। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, महू, पिथमपुर, देवास जैसे इंदौर के आसपास के कई जिलों में बदलाव के समर्थक या कहें कि वर्तमान में बदलाव के वाहक बन चुके लोगों ने बड़ी सक्रियता के साथ चेंज मेकर बनने के लिए उत्साह दिखाया और संकल्प फॉर्म भी भरा है। आइए ले चलते हैं आपको धार के सरदाना इंटरनेशनल स्कूल में, जहां बच्चों ने भी ठाना कि चेंज मेकर सिर्फ बड़े लोग या अनुभवी लोग ही नहीं बन सकते, बल्कि हम जैसे आने वाले भविष्य के युवा भी चेंज मेकर बन सकते हैं। कम उम्र में यदि ये भाव उनमें आ जाता है तभी तो वे आने वाले वर्षों में बेहतरी की दिशा में प्रगति कर पाएंगे। धार में ही पाटीदार समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान लोगों को अक्षत संकल्प दिलाया गया, जहां वे दो लोग एक दूसरे के साथ बंधने जा रहे थे, उन्हें पत्रिका ने एक ऐसी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ भी बांध दिया, जिसके कारण अब वहां मौजूद हर दुल्हा अपनी नवविवाहिता के साथ देश और समाज का भी ख्याल रखेगा और वहां मौजूद हर दुल्हन इस शपथ लेने के बाद अपने नाम और घर के साथ साथ अपने समाज को भी बदलने के लिए तैयार होगी।
धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र से युवाओं ने और लोगों ने पत्रिका के चेंज लाने वाले इस अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा की है और उन्होंने भी इसे सशक्त अखबार की पहचान बताया है। इस अभियान से जुड़ने के लिए पत्रिका ने एक आसान सी प्रक्रिया भी तैयार की है। इसमें पत्रिका ऐप के माध्यम से इस अभियान में सहयोग करने की इच्छा रखने वाले तथा सक्रिय राजनीति में आने की हिम्मत दिखाने वाले चेंज मेकर एक मंच पर जुड़ सकते हैं। वॉलंटियर के तौर पर जुड़कर भी आप इस अभियान में सक्रिय तौर पर शामिल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हर क्षेत्र में बदलाव के नायकों को सामने लाया जाएगा। एक छोटी सी जहमत उठाकर आपको करना है ये काम कि इसका फॉर्म भरने के लिए आप पत्रिका ऐप को डाउनलोड करें। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको पहले पेज पर ऊपर की तरफ चेंज मेकर का फॉर्म दिखाया जाएगा। आप इस पर क्लिक करने के बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करें। आपसे जुड़ी जानकारी और क्षेत्र में कौन से 5 बदलाव आप देखते हैं, बस वो लिख दीजिए और बतौर चेंज मेकर पत्रिका से जुड़ जाइए। किसान हो, बैंक का कर्मचारी हो, ऐसी कमरों में बैठा व्यापारी हो या तपिश में बैठकर चप्पल सीलने वाला मोची, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, बूढ़े बुजुर्ग, युवा या महिलाएं ही क्यों ना हो, छोटे स्कूली बच्चे हो, हर किसी तक चेंज मेकर अभियान की जानकारी पहुंच चुकी है। कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। गांवों से लेकर शहरों तक, इंदौर से लेकर देवास और महू तक, अब हर घर में है एक परिवर्तन निर्माता यानी चेंज मेकर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए पत्रिका टीवी के साथ। मुझे यानी हार्दिक दवे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।